मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू नादा गेम्स। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं हेलवर्ड। लास्ट वाली वीडियो में तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने एक न्यू बेस का काम शुरू करा था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ गया है। मतलब पूरा काम हमने बेस का पिछली वीडियो में ही कर लिया था, बॉस पोकेमॉन से भी फाइट करी थी, बट आज उसे कंप्लीट करने का टाइम है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ चीजें सेटअप करनी है। एंड या लास्ट वीडियो में मैं कमेंट पढ़ रहा था तो तुम लोग कह रहे थे कि एनुबिस, जो बॉस एनुबिस है लेवल 47 का, उससे फाइट करो। आई होप सो हम उसे पकड़ पाए। अभी तो कोई चांस नहीं है, जिस हिसाब का हमारा लेवल है, हमारा लेवल 40 या 41 है आई थिंक सो, तो अभी तो कोई चांस नहीं, बट देखते हैं कि इफ चांस बनता है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। मार तो मैं दूंगा भाई, इतना मेरे को भरोसा है, लेकिन पकड़ सकता हूँ या फिर नहीं ये नहीं पता, क्योंकि उसके लिए एकदम 47 लेवल 47 का ना, तो अच्छी स्पीयर भी चाहिए उसके लिए, तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप से तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगे। लाइक एम 100 लाइक्स का रखते हैं। आई होप तुम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करा देते हैं। जो लोग नए हो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप लोग के लिए एक सिर्फ एक सब्सक्राइब है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यार सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा मिस नहीं करते, चलते इस द ब्यूटीफुल पैल वर्ल्ड। गाइज वेलकम बैक टू द पैल वर्ल्ड। और आओ चलो तुम्हें थोड़ा सा मैं अपना बेस दिखा दूं। यहाँ पर हमने फूड सेटअप करा था, मतलब ये जो तीन स्पॉट्स हैं ये वीट के लिए हैं और ये एक बेरी के लिए। बेरी का प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि केक बनाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने पूरी स्टोरेज आइटम्स स्टोर कर रखे हैं, मतलब इसमें स्टोर कर रखे हैं। ये कंटेनर है ना, यहाँ पे अपना देखो कोल, हाँ या कोल हो गया, ओर हो गया, पैल्डियम फ्रेगमेंट्स अभी नहीं है, वो भी आ जाएंगे, डोंट वरी। और ये बेलेनोयर स्लैब इस काम आता है मुझे बताना, क्योंकि अभी तक मुझे इसका कुछ पता नहीं चला कि क्या काम आता है ये। और यहाँ पे स्किल फ्रूट्स हैं, मतलब इसको किसी पोकेमॉन को खिलाने से वो स्किल उन्हें मिल जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक बॉल है, ठीक है, सबसे एपिक वाला कौन सा है, मतलब ये वाला, ठीक है। हाँ सो ये ब्लिजर्ड स्पाइक है, अगर ये मैं किसी पोकेमॉन को खिला दूँ चाहे वो फायर टाइप की क्यों ना हो, बट वो ये वाला आइस अटैक सीख जाएगा, तो ये भी बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखे हैं कुछ बहुत सारे एग, जो कि मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि इन्हें हैच करना अपने को लगा देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्स हम हैच करेंगे उतनी ही एक्सपी हमें मिलेगी। और अभी हमारा लेवल 41 है, जैसे जैसे लेवल और हायर होगा, कैसे देखते हैं, हाँ और हायर होगा तो और बेटर हो जाएगा। अभी मेरी मैक्सिमम जो हेल्थ है वो 3050 है, स्टैमिना 160 है, अटैक मैंने फालतू बढ़ा लिया था जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए था मुझे, आई नो, वेट मैं बढ़ाता जा रहा हूँ अभी। ओके ठीक है, ये सब पार्ट साइड। फिलहाल मैं यहाँ पे दो तीन एनिमीज छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बनाने को लगा दिया था, बट ये काम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे एंड मेरे को वीडियो एंड करनी थी। सो या यहाँ पे मस्त एनुबिस छोड़ देते हैं, मस्त क्या, तीन एनुबिस मेरे पास, तीनों छोड़ दूंगा मैं, ये मस्त अपना काम करने पे लग जाएंगे। देखो अब इनका काम देखना, ठीक है, मैं अपना एनुबिस भी छोड़ दूंगा इनके साथ, जो जरूरत ही नहीं है, ये तीन एनुबिस इतने फास्ट, ठीक है। ब्रीडिंग फार्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा फार्म कौन सा जाएंगे ये लोग, ठीक है, मैं अपने एनुबिस को भी लगा देता हूँ, बहुत जल्दी काम होगा भाई। ये लो ये भी बन गया, अब ये वाला इधर आ जाओ, ये बनाओ, वेरी नाइस, एक दो हथौड़े मारेंगे, ये भी कंप्लीट भाई। चलो यहाँ पे दो मैंने इसलिए बना दिए क्योंकि एक कम पड़ता है, क्योंकि अभी मैं देखो मैं 18 पोकेमॉन यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, तो उतने बेड्स भी मुझे बनाने, फिलहाल मेरे पास है नहीं उतनी चीज़ें, बना देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करने जा रहे हो, हाँ यहाँ मैंने ओवर माइनिंग साइड बड़ी वाली जो होती है वो लगा दी है, तो आई थिंक सो यहाँ पे ये काम जल्दी होगा। ये देखो ये थोड़ा सा इफिशियंट है ज़्यादा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर बना देते हैं, जो कि मैं सोच रहा हूँ यहीं पर बना दिया जाए, यहाँ पे एकदम बीचों बीच में हो जाएगा ये, बढ़िया। यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं, एनुबिस बना देगा अपना फास्ट, थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर दूँ, वन मिनट रुको, यहाँ पे ओजू छोड़ना पड़ेगा मुझे, ओजर्क्यूल या ग्रेसबोल्ड भी कर देगा, लेवल 3 का इलेक्ट्रिसिटी करता है प्रोवाइड, वो कर देगा वो। यहाँ पे एक और लाइन से बनाऊंगा भाई, चिपका के बना सकता हूँ ना, पता नहीं इतना दूर दूर क्यों बना रहा हूँ। और कितने बन सकते हैं भाई, पता नहीं, एक तो मेरे पे क्लॉथ भी बहुत सारा पड़ा है, स्टोन भी अंधा है। अभी जब तक इलेक्ट्रिक वाला नहीं बना सकता ना, मैं यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी लाइन काफ़ी नहीं हो जानी चाहिए, या फिर एक काम कर, भाई बहुत बना दिया, और नहीं चाहिए बस, और बनेंगे भी नहीं पहली बात। क्या कि हाँ, कैंप फायर बना देता हूँ मैं इनके आजू बाजू पूरा, तुम आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज स्कॉर्चिंग है, अब नॉर्मल वाले शुरू हो रहे हैं। ओके सो ये नॉर्मल वाले 2.5 मिनट का लेंगे। अरे अच्छा, ये बना नहीं है क्या अभी, थोड़ी देर बाद जा। अरे माइनिंग कौन करवा रहा है लेकिन इससे, ये पागल हो गए या मैं पागल हूँ। ये देखो ये माइनिंग कर, बाबा बताओ भाई, चुप छोड़ो यार, ठीक है। अब ये अंडे हैच हो गए तो इनको ओपन करके ही चलते हैं फिर, एक और वैन में, वेरी गुड भाई,
और कुछ देने को ही नहीं है, क्या मिला इससे भी वैनविम, और वैनविम दो, लाओ वैनविम की सेना बनाऊंगा मैं। केल्प साइग्निस ठीक है, कुछ नया पोकेमॉन मिला, मोटिवेशनल लीडर भाई साहब, लीस्पंक इग्निस ठीक है, एक और वैनविम लीस्पंक इग्निस ठीक है भाई साहब, ओके लार्ज स्कॉर्चिंग है ये कंप्लीट हो चुका है, इससे हमें मिला है रैग्नाहॉक, मैं ये पकड़ना चाहता था जो कि ऑलरेडी हमें मिल गया, लेट्स गो भाई साहब ठीक है। मैं ये स्पीयर सिम लाइन 2 जब मैं बना लूंगा तो हमारे पास भाई ये काफी लंबी नहीं है, ये लाइन काफी ज्यादा ही लंबी है ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, आई होप टेढ़ी ना हो रही हो, ओके एनुबिस आ जाएंगे बढ़िया अपना वर्क करने, कौन कौन आ रहा है, 2 मिनट ठीक सब करेंगे, ग्रेस बोल्ट के हाथ में बढ़िया हथौड़ा है भाई ठीक है, ये करो बट आई होप मेरे को अल्ट्रा स्पीयर बनानी है, बट उसके लिए मैं पैलियम फ्रेगमेंट्स ना लगते हूँ, कार्बन फाइबर लगेगी ठीक है, तो ये कार्बन फाइबर के लिए मेरे को क्या सी, क्या माइन कर रहा है भाई, क्या है ये, यहाँ से वो माइनिंग कर रहा है, मेरा एनुबिसी है, खैर वो इतने पागल तो नहीं है, इतनी नहीं होने चाहिए, ओके ये कार्बन फाइबर कैसे बनेगा, कोल से बनता है ठीक है, मैक्स मैं काफ़ी सारे बना सकता हूँ बट इतने नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट अभी मेरे को चाहिए 150 बना देता हूँ, कोल ठीक है 150 बना दो आके, मेरे पास कितने स्पीयर्स हैं, इससे तो मैं एनुबिस नहीं हरा सक रहा, बट एक काम करते हैं अपन तब तक, भाई पास वाली पोकेमॉन छोड़ रखे हैं मैंने, ये ब्रॉन्जरी एक्वा और इसको और यूनिवोल्ट, इसको हरा के आते हैं, ये लुनारिस पाद का काम है अपना, सबसे पहले ये भाई रिलैक्सोरस लक्स, ये रिलैक्सोरस है, इलेक्ट्रिक वाला रिलैक्सोरस है, अजीब नहीं लगता है बोलने में ठीक है, इसको अपना एनुबिस हरा देगा क्योंकि अपना एनुबिस ग्राउंड टाइप है, मैं बॉल सेलेक्ट करके रखता हूँ जरा, हाइपर नहीं इसमें आ जाना चाहिए, लेवल कितना है, कितने लेवल का ये 31 नहीं आएगा वैसे, एपिक पता नहीं देखते हैं, सील रिल्म ऑफ द थंडर ड्रैगन कद्दू जाओ भाई साहब, ओके अरे भैया इतना नहीं मारना है, अच्छा फैंगलोब भेज के गलती कर दी मैंने, डैमेज तो करा भाई साहब, फेलेरिस भेजते हैं, फायर टाइप है उतना गंदा डैमेज नहीं देगा, नहीं देना चाहिए, बस कर हो गया, ऐसे ही मर जाएगा वो, 13% का कैप्चर रेट, इसके बाद ये वाला आ जाएगा भाई, ये क्या देखा मैंने, नहीं देखना चाहिए था, इतना गंदा तो नहीं मारना चाहिए था यार, ये क्या हुआ, ये तो फाइट 1 मिनट भी नहीं चली मुश्किल से, नहीं मजाक भी नहीं कर रहा, एक बता दो अगर 1 मिनट भी चली हो तो, मत आओ इतने लोग की जरूरत नहीं है, मेरा अकेला नहीं बना देगा अभी, एक तोड़े में ठीक नहीं ओके चलो ठीक है, ओके अब यहाँ चलते हैं, अब हम एनुबिस को हराने जा रहे हैं, तो पाल बाय लेवल करते हैं सबसे पहले, भाई कौन कह रहा था ग्रास टाइप नहीं है मेरे पे, अभी देखो जर्मोंटाइट रख देते हैं, एनुबिस भी रख देते हैं, फेंगलोप मेरे को काम आ जाएगा, ओजर्क रख देते हैं ठीक है, तो ये दोनों ऊपर रखते हैं, हाँ ये दोनों ऊपर रखते हैं, अब देखो ग्रास टाइप मेरे को ऐसे चाहिए जो एकदम ही ओवर पावर्ड हो, जैसे ये इसका अटैक ज़्यादा, यार ये ग्रास टाइप अटैक बहुत कम वालों के हैं ठीक है, रॉबिन कुल है ठीक है इसके, अरे नहीं यहाँ यहाँ बेटे यहाँ इधर, हाँ वर्डैश की अभी ज़रूरत नहीं है, वर्डैश मैं लेके चलता हूँ, और एक मैमोरस भी ले लिया जाए सोच रहा हूँ, या फिर ब्रॉन्चेरी का क्या है, बॉस ब्रॉन्चेरी रुको नहीं, एक जर्मोंटाइट रख ही लें क्या, हाँ क्योंकि उसके बाद अपन जर्मोंटाइट इग्निस को भी मारने, यार तेरी अलग ना करें ठीक है, ट्राई लाइटनिंग भी है इसके पास, एक्वापर्स हाइड्रोल, चलो भाई देखा जाएगा, ये सारे ही अंडे हैच हो चुके होंगे, आई नो इनका इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गया, लार्ज वाले हैं इनको करते हैं, रिप्टायरो मिला है एक बहुत बढ़िया पोकेमॉन है गाइस, एक और वैन में मिला है ठीक है, ओ लेवल मेरा बहुत जल्दी होने वाला है, लेवल 41 हो चुका है, लेट्स गो, एक और रिप्टायरो मिला है अपने को, ये नॉर्मल स्कॉर्चिंग है क्या, इससे अपने को मिला है केल्प्सा इग्निस, नॉर्मल वाले से एक और केल्प्सा इग्निस शायद, प्लीज पंक इग्निस, ये भी नॉर्मल वाला है, रूबी ठीक है भाई, लेवल क्या जल्दी बढ़ रहा है, लेवल 44 मुझे करना है फटाफट, ओके इससे क्या मिला है,
पायरिन, लेट्स गो। अच्छा पोकेमॉन, ये नॉर्मल स्कॉचिंग है क्या? पहले इसे हैच करेंगे। ओके, इससे हमें मिला है वेनवर्म, नाइस। और लास्ट वाला है, इससे हमें एक मिला है, एक और टायरो गाइस। ऑलराइट, देखो यहीं से पास पड़ेगा फॉरगॉटन आइलैंड से। ओके, कहाँ जाना मुझे? ये वाली जगह पे। बस आई होप मेरे को कोई देखे ना, अगर किसी ने देख लिया ना भाई अपना उट्टा बना के मारेंगे। अल्ट्रास्फीयर से आ जाएगा अपना जो होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे और भी खतरनाक पकवान होंगे तो वो मुझे देखना पड़ेगा। चलो भाई फिर लेट्स गो। मेरे को ना उन खास कर उनसे बचना है। लास्ट वीडियो में तो मैं याद होगा उन्होंने मेरे को मरने तक नहीं छोड़ा था, जब तक मैं मर नहीं गया था ना तब तक नहीं छोड़ा था। और वो अच्छा हो गया था एक हिसाब से कि अगर मैं नहीं मरता तो अभी तक वो मेरे को ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते। मैं जहाँ जाता ना भाई वहाँ पे एक एक स्पॉन हो जाता और मुझे आके मारता। ओके, मेरे को अच्छे से देख लेना है बस कि आसपास कोई भी PIDF वाला ना हो। वेट, हाँ मैंने हॉट वाला ही पहन रखा है। इधर तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। लेट्स गो, लेट्स गो। जो पकड़ना है तो मिल गया, बट मेरे को देख लेना PIDF वाले ना हो आसपास। वापस आ, बस वो जब तक मुझे देखते नहीं है मैं सेफ हूँ। एक बार उन्होंने मुझे देख लिया मैं अनसेफ। उसको मारना है, उसको 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 उसको। लास्ट मारूंगा। ओ शिट भाई, मेरा फैंगलोक मर जाएगा। बाप बाप, बस इनफ। इधर आओ भैया, हेड शॉट मारना है। एक या तो एक ग्लिच्ड है या मेरी प्रॉब्लम है कुछ। ओए, ओके ट्राई लाइटिंग, ठीक है। 40, 60, इजी एज पता नहीं, लेकिन बहुत इजी था पकड़ना इसे। भाई साहब जोमेंटाइड इग्निस एक बार में पकड़ लिया। वैसे मेरे को ही लगता है मेरे को ये वाली स्पीयर वेस्ट करनी चाहिए थी इस पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सीधा निकल जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया, सोचो अगर किसी ने देख लिया। ओके, सबसे पहले मेरे को मैप में देखने दो, मेरे को जाना सीधा है यहाँ से। ओके या, अरे यार किसको मार रहा है? अरे मत क्या यार, बच्चों को मार रहा है ये, क्या बोलूँ मैं। ये रहा भाई 4700 HP। ओके, ग्रास टाइप रॉबिन कुल 33 है, 35। वर्डाश भेजना चाहिए आई थिंक से मुझे सबसे पहले। ये मारेगा तो बहुत गंदा, आई नो, बट ठीक है, हम अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं। अब ये कौन बता मेरा, रुको उसके उसके पढ़ा नहीं वर्डाश। लग नहीं रहा था, लगी। ओके, फाइट शुरू कर दी हमने। हमारे पोकेमोन को अच्छे से बचाना पड़ेगा। ओके, एचपी कम किया। मैं एक बार जॉर्मोटर को भी भेज के देखूंगा, क्योंकि मेरे को देखना है कि टाइप्स। भाई जरा सी एचपी बच गई, मर जाता वो बंदा। नहीं वर्डस, नहीं वर्डस, नहीं वर्डस, नहीं। यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। छी, अरे क्या कर रहा है ये बंदा? हाँ तू मेरे को मार भाई, सही है वो। ओके बच गया मैं। नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, मैंने बहुत गंदा रिस्क लिया था। आई नो, मेरे को बस अटैक्स बचाने पड़ेंगे, अटैक से बचाना पड़ेगा अपने पोकेमॉन्स को। नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदा है। वापस आ, नहीं कहाँ ये। हाँ चिढ़ा मत भाई तू, ठीक है यार। शिट बच गया यार, फैंगलोप का मेन अटैक निकाल दिया मैंने उसको। मेरे को मेरे पोकेमॉन्स ही बचाने हैं। मारियो जा, एक तो मैं नल्ले पोकेमॉन्स लेके तो लड़ने आ गया हूँ। शिट, ओके बांध दिया भाई, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। एचपी कम तो करिए, ज्यादा नहीं, बट ये बांध के रखा ना, ये बहुत बढ़िया है। ओए अरे भाई, मैं बहुत गलत पंगा ले लिया है मैंने, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे पागल औरत भाग गया हूँ।
अब ये मत बोलना उसकी एचपी बढ़ गई होगी, नहीं ना। वर्डाश भेजा है मैंने। ओके ओके अरे ये नल्ले क्यों आए। ओके मेरी शील्ड रिजन हो गई, सबसे बेस्ट बात ये। हाँ मार मार मुझे मार, मैं बचता हूँ इस चीज से। नाइस खाते तो नहीं थे ना, खा लिया भाई। जामू गो बेबी, अटैक कर गया उसका। जॉर्मून डाइड आधा घंटा तो मस्ती करेगा। हाँ ये नहीं, ये अटैक उतना पावरफुल नहीं है। अटैक किया भाई, डैमेज किया। ट्राई लाइटनिंग, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। रॉबिन क्विल की हेल्थ हो गई इतनी, जो 1000 एचपी कम करी ना रॉबिन क्विल नहीं करी है। नहीं मेरे पास मत आ, ऐसे मत आ प्लीज। नहीं खाया नहीं खाया, चढ़ा मत भाई। देख डॉज। ओके 23 का मैं खुद भी मार दूं मैं। ओके ये बढ़िया रहेगा। अरे नहीं इसने मेरे को डॉज, मैं नहीं मारना चाहिए कायदे से ना। बेटा पगला गए हो का? एक तो मैं अपना एनिबिस नहीं लेके आया। अरे हाँ अटैक हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। नाइस नाइस नाइस, मेरी शील्ड टूट गई पूरी, मेरे को शील्ड रिगेन होने देना पड़ेगा। नाइस 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 नाइस, वापस बेटे। नहीं ओके ये अटैक रह सकता है। वर्ड डैश रेडी रखते हैं इसके बाद। भाई अभी भी 3000 एचपी है उसकी अभी भी। यार मत कर यार। ओके रीलोड करना पड़ेगा ना। हाँ आजा आजा आजा। अब पता नहीं किधर मार दिया। हाँ ओके शील्ड रीगेन हो गई। यार तुझे जिसे मारना चाहिए उससे तो नहीं लड़ रहा तू इधर का, बस वॉल अटैक से बचना है तो उछल के मारता ना। ये वाला नहीं बच पाया, पता नहीं क्यों और कहाँ चल रहा हूँ मैं। भागो रॉबिन कुल मेरा सेफ है ना अभी। हाँ मेरे पे मारिए मेरे पे। ना जा शील्ड रीगेन हो जा भाई जल्दी। मर गया रॉबिन कुल, मेरा आर्मर डैमेज हो गया। शिट ऐसे ही मर जाऊंगा मैं तो। आर्मर चेंज कर जल्दी। और ये भी लेट्स गो। अब वर्ल्ड डैश ये जो कर सकता है क्योंकि वो यार। ओके मैं अपना सामान वगैरह लेके वापस आ गया हूँ। क्या सीन हुआ है मेरे साथ मैं बता भी नहीं सकता यार। यार मेरे पीछे क्यों पड़ा यार अनुबिस तू। ओह शिट। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही चाहता था मैं। हिलियो मत मास। गड़बड़ ना हो जाए। लेट्स गो 1 HP। अभी भी 3% का कैप्चर रेट है बताओ भाई। ये फर्स्ट ट्राई है मेरी है। 15 का कैप्चर रेट, 40 मुझे पता था इतनी जल्दी तो नहीं आ रही। अरे मत भाग मेरे भाई मत भाग, 1 HP है तू। छी अच्छा ठीक है ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। भाई ओके सीधा मैं कैप्चर फेंकूंगा एक और, कोई पड़ा था यार फर्स्ट टाइम में उसका। ओके 15 भाग दिया, मारने नहीं दूंगा। 9 बची भाई सिर्फ। एक तो हाइपर फेंकते क्या, मुझे पता था नहीं आ रहा है। हाइपर भी ट्राई करते हैं दो तीन।
अबे हाइपर बना लेंगे यार दोबारा, अल्ट्रा बहुत मुश्किल से मिल रही है। मत कर क्या बंदा है भाई, 1 HP पिटर हो रहा है। आ जाना भाई, नहीं आएगा भाई अबे। यार मेरी मेन एक स्पीयर वेस्ट कर दी दल्ले। मैं रो दूंगा भाई, एपिक में आएगा। एपिक की तो मूवी नहीं लग रही। आए एपिक क्यों बोल रहा हूँ उसे मैं, गीगा। चार ही बची है अल्ट्रा, इन चार में नहीं आया तो भूल जाओ फिर यार। नहीं लास्ट स्पीयर भाई साहब। वन एच पी बचा था वो। भाई अटैक होने देना था, मेरे को पड़ गई। इस बार तो बच्चे की तरह मार दिया भाई उसने। अरे नहीं रिलोड, शिट बच गया भाई, बहुत गंदा। ओके भाई ओके, मेरे को पता था इसमें तो नहीं आ रहा है। शिट स्पीयर चेंज। ओके कैप्चर रेट बहुत बढ़िया इस बार, ये बढ़िया। ओके 1 HP दोबारा से। आ शिट भाई। चलो यहाँ से, ये स्लैकर नहीं है मेन बात तो ये भाई, ये स्लैकर नहीं है। अब ये वाला एनुबिस यहाँ रखो, ये लेके घूमेंगे अपन। वैसे दोनों में कॉमन बात तो कुछ नहीं थी, इसका अटैक 600 है, इसका अटैक 800 हो चुका, बट अपन साथ में रखेंगे तो इसका भी अटैक बढ़ ही जाएगा। भैया आप कुछ देते होते हो क्या, बाय करते हैं से लॉक ऑन लेजर 3000 अच्छा, ये पैल्डियम फ्रेगमेंट भी देता है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको पकड़ लेते हैं, मजाक नहीं इसको पकड़ लेते हैं भाई, क्या कहते हो। इसका कैप्चर इनको मारना पड़ेगा, बट हमें से भी लेवल 20 के कोई दिक्कत नहीं, एक एक हेड शॉट खत्म। एक गया, रिलोड कर ले बेटा। नाइस ओके, आपका कैप्चर रेट तो दिख नहीं रहा भाई साहब, 11 का है। ओके मेरे को पकड़ना है भाई, ये रख लूंगा मैं अपने साथ। व्हाट ओके एक्स मारे तो ओके पास। अब तो आ जाइयो भाई, 31 का कैप्चर रेट है। व्हाट रियली ओके, अरे यार मेरे को चाहिए तो मैं ले रहा हूँ भाई, मेरे को बार बार जाना ना पड़े ना इसको ढूंढने। और तुमने भी कहा था पकड़ सकते हैं भाई, पकड़ सकते हैं तो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा ये। एक मिनट, रिंग ऑफ मर्सी पहनो जरा। अब तो आजा, 1 HP है एक, क्या अजीब आदमी है। थर्टी वन अल्ट्रा स्पीयर है भाई, अल्ट्रा स्पीयर थी वो।
भाई फालतू का गुस्सा दिला रहा था वो। तुम भी आ जाओ। अच्छा नहीं आओगे, ओके फेलरिस हमें बैठाओ, मारो। मर गया वो, मर गया मर गया, एक ही मर गया था। है नहीं मरा था। अच्छा मैंने वो पहन रखा ना, रिंग ऑफ मर्सी पहन रखी है। ये बंदा भाई साहब ये क्या करता है, खाली घूमता है भाई। ये बढ़िया, मैं इससे कभी भी कुछ भी खरीद सकता। करना क्या चाहता है ये, इसे अंदर रखो भाई। बाकी आई होप से तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मज़ा आया मुझे आज, गुस्सा भी बहुत आया बट मज़ा भी आया। बट या मिलता तुम लोगों से बहुत जल्दी एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।